मेरे पास खेलने के लिए अभी बहुत से कार्ड्स बाकी हैं, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, जब खेलूंगा तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून में तोड़फोड़ से मुतालिक संजीदा आवाजें आ रही हैं। पार्टी की मौरूसी सियासत के खिलाफ पहली आवाज चौधरी निसार ने बुलंद की। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम मुकम्मल फेल हो चुकी है, उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार सारी तबाही का जिम्मेदार है। हर गुजरते दिन के साथ पीडीएम मुश्तरका तौर पर बेनकाब हो रही है। उन्होंने मुश्तरका तौर पर आवाम के वसाइल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुझे नाअहल कर भी दिया गया तो लोग पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन जेरे गौर नहीं। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निजात दिला सकती है। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।